और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये उस वक्त की तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस विमान में उन्होंने उड़ान भरी थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस विमान में उड़ान भरी। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास पल ये। और आपको ये भी बता दें कि 45 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस विमान में उड़ान भरी और कुछ देर के लिए उन्होंने कंट्रोल भी तेजस का जो है वो अपने पास रखा। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। सबसे पहले देखिए बेहद शानदार ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि शायद कोई प्रधानमंत्री जो है वो इस तरीके से तेजस विमान में बैठकर उन्होंने कंट्रोल भी संभाला। इतना ही नहीं, उन्होंने वायुसेना की तारीफ की, तेजस की तारीफ की, साथ ही उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि देखिए आत्मनिर्भरता के मामले में वायुसेना जो है वो बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तेजस की, ये देखिए जिस वक्त की ये तस्वीर है। अब ये वीडियो जो है जारी किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से पूरे सेफ्टी मेजर्स लेकर बहुत प्रोफेशनली तरीके से जो है उन्होंने तेजस में उड़ान भरी। और जब वो वापस लौटे तो देखिए उनके चेहरे पर खुशी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दी। जितने वहां पर कमांडर्स मौजूद थे, जितने अधिकारी वहां पर मौजूद थे, वो किस तरीके से स्वागत करते हुए पीएम मोदी का नजर आए, इन सब के बीच में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी बेंगलुरु आज पहुंचे थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी के दौरे पर जो है पीएम मोदी पहुंचे थे और इसी दौरान मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण करने के लिए जो है पीएम मोदी पहुंचे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, ये तस्वीर अपने आप में बेहद खूबसूरत, अपने आप में इस बात को बताती हुई कि पीएम मोदी जो कहते हैं कि अब भारत आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको दिखाती हुई ये तस्वीरें। देखिए बिल्कुल बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी की। ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी जो हल्का लड़ाकू विमान है तेजस, उसमें उन्होंने उड़ान भरी। और ये एक मैसेज केवल उड़ान का नहीं है, ये मैसेज भारत की स्वदेशी जो निर्माण की नीति को लेकर है उसको लेकर बड़ा मैसेज है। और एक मैसेज भारतीय जवानों को लेकर भी है कि जो अपनी स्वदेश में जो निर्मित जो लड़ाकू विमान है वो बेहद भरोसेमंद है। ये मैसेज भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया और पूरा करीब 45 मिनट की ये उड़ान रही, यानी कि जो 45 मिनट की सोटी रही उसमें आसमान में जब उड़ान भरी तो कुछ समय तक जो सारे कंट्रोल है वो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिए। और अब ये वीडियो जारी कर दिया गया है जो साफ तौर पर उन पलों को दिखाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री तैयार हुए और उन्होंने वो जो हल्का लड़ाकू विमान है तेजस उसमें उड़ान भरी। जी बिल्कुल यतेंद्र, मैं लौट रही हूं आपके पास एक बार फिर से। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दे, बेहद खास ये तस्वीरें किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस में बैठे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान भरी, बेहद खास ये तस्वीरें हो जाती हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल होने की जरूरत है, आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, और ये तस्वीरें जो है उन तमाम देशों के लिए जो दुश्मन देश है, जो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि रक्षा क्षेत्र में जो है भारत इतना मजबूत नहीं है, तो उन देशों को ये दो टुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश कि जरूरत पड़ने पर देखिए किस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, आत्मनिर्भर होता हुआ जा रहा है। और रक्षा क्षेत्र को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा से सज रहे हैं। यतेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, पहले भी मोदी सरकार इस बात को क्लियर कर चुकी है कि रक्षा क्षेत्र में, रक्षा उपकरणों में कोई कमी नहीं की जाएगी, और यही वजह है कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तीनों सेनाओं के प्रमुख हो या अधिकारी हो उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी जरूरतें पूछते हैं और उन्हें वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है जो जरूरत की है। देखिए बिल्कुल, जो देश को आगे ले जाने के लिए, देश की सेनाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक होता है प्रधानमंत्री मोदी उसमें कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। 2014 में उनकी सरकार आई थी तो उन्होंने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि आत्मनिर्भरता के मामले में अब देश आगे बढ़ेगा, अब कोई भी समझौता किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा। और आज की जो तस्वीरें, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर जब प्रधानमंत्री ने की तरफ से ये तस्वीरें ट्वीट की गई थी, साझा की गई थी, तब उन्होंने कहा कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से भी कम नहीं, यानी कि पूरा देश अब भारत की ताकत को देख सकता है, उसके विश्वास को, उसके आत्मविश्वास को देख सकता है। और साफ तौर पर जो जब उन्होंने ट्वीट भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया तो उन्होंने कहा कि अत्यंत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व से किसी से भी कम नहीं है। और डीआरडीओ और एचएएल के साथ साथ पूरे भारतवासियों को उन्होंने इसकी शुभकामनाएं भी दी थी, क्योंकि वायुसेना ने अभी कुछ समय पहले ही
जो 12 उन्नत SU-30 MA के जो लड़ाकू विमान है उनकी खरीद के लिए HAL को टेंडर जारी किया था और उसका आज निरीक्षण करने HAL में जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसका निरीक्षण प्रधानमंत्री ने किया। और इससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ जो PMO की तरफ से जो मैसेज आया था वो यही था कि वो इसका इस जो निर्माण की जो पूरी टेक्निक है जो निर्माण की प्रक्रिया है उसका वो निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन तेजस में जो उन्होंने उड़ान भरी है वो सब कुछ चौंकाने वाली रही, लेकिन साथ ही सेना के जवानों में और खासकर देशवासियों में वो आत्मनिर्भरता का जो गौरव का प्रतीक है उस गौरव को भी बढ़ाने वाली रही। बिल्कुल वही गौरव वही गर्व जो है पीएम मोदी की आंखों में दिखाई दे रहा है। यतेंद्र मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन तेजस की खूबियों के बारे में भी अपने दर्शकों को बता दे कि तेजस वो देखिए पलक झपकते ही आसमान में किस तरीके से गायब हो जाता है। एक स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विमान है जो किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है, यानी कि सर्दी गर्मी बारिश, क्योंकि कई ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो हर मौसम में जो है वो टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन तेजस एक ऐसा फाइटर जेट जो हर मौसम में उड़ान भर सकता है। इसमें दो पायलट बैठ सकते हैं, आप देख भी सकते हैं पीएम मोदी पीछे बैठे हैं और जो पायलट है वो आगे बैठा हुआ है। इसे लिफ्ट यानी कि लीड इन फाइटर ट्रेनर कहा जाता है और इसे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट भी बुलाते हैं, यानी कि समझिए अगर जरूरत पड़ती है तो इससे हमला भी किया जा सकता है और एकदम सटीक निशाना जो है लगाया जा सकता है। वायुसेना ने HAL से 123 तेजस विमानों का ऑर्डर दिया है जिसमें 26 विमान डिलीवर किए जा चुके हैं। ये सभी तेजस Mk-1 होंगे। अब आप ये समझिए कि आने वाले दिनों में HAL जो है इन विमानों के अपग्रेडेड वर्जन जो है वो सेना को देगा, यानी कि ये अभी Mk-1 जो है वो इस तरीके से सटीक निशाना लगाता है, दुश्मन थर थर कांपेंगे, लेकिन आप सोचिए अपग्रेडेड वर्जन जो है वो कितने ज्यादा खास होंगे। यतेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, पीएम मोदी की बात तो हम कर ही रहे हैं लेकिन उस तेजस की भी बात करने की जरूरत है जिसका निशाना एकदम सटीक माना जाता है, और जब अपग्रेडेड वर्जन आएगा जो 2024 से 2028 के बीच में होगा वो देखकर दुश्मन देश समझ जाएंगे कि ये नया भारत है। यतेंद्र आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है जी यतेंद्र? देखिए तेजस की जो खूबियों की आप बात कर रहे हैं, तेजस को अगर जाने तो इसकी जो आज प्रधानमंत्री ने जो मोदी ने उड़ान भरी है वो पूरे विश्व को दिखाने के लिए ही था कि किस तरह से भारत अपने रक्षा क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। और अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है, जो रिपोर्ट तेजस को लेकर आई है। और तेजस नाम मैं आपको बता दूं, तेजस नाम दिया था वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको दिया था, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें उड़ान भरी। और जो तेजस की खूबियां हैं, एक इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो किसी भी परिस्थिति में अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकता है, और जिसकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो इसमें उड़ान भरी है वो इसमें उस खूबियों को ही दुनिया के सामने लाने का काम किया कि भारत काफी इस क्षेत्र में काफी अपने दम पर काफी आगे बढ़ गया है। और अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो या फिलीपींस, तो कई सारे देशों ने इस हल्के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। HAL के साथ 83 तेजस खरीदने का रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया था, 83 तेजस खरीदने का 48,000 करोड़ रुपए का करार किया गया था। और IAF के चीफ जो एयर मार्शल है VR चौधरी, उन्होंने अक्टूबर में ही जानकारी दी थी कि 97 और तेजस खरीदने पर विचार चल रहा है जो 67,000 करोड़ रुपए का हो सकता है, यानी कि जो HAL की जो क्षमता है बेंगलुरु में वो 16 विमान बनाने की, हर साल 16 विमान बना सकते हैं, इस तरह की क्षमता है। यानी कि आज जो वीडियो जारी किया, 14 तेजस इज एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल फ्रॉम द इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। इट सेंड्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द इंटरनेशनल ऑडियंस दैट इंडिया हैज मेड अ first rate product which is compatible with any similar aircraft anywhere in the world. There are lots and we have been able to achieve something at a much lesser cost and much better variety that is on offer from by other countries, including our competitor China, etc. Lot many friendly countries have already approached the government of India for manufacture of this aircraft. It also clearly indicates a huge sense of confidence in the capabilities of the HALA, boosts the morale and motivation of the Indian Air Force as well as the Indian Navy, because a naval variant is also under testing. This is going to replace two MiG-21 squadrons that are in existence, which were inducted in the Indian Air Force in 1963 by 2025. And the Indian Air Force has ordered 93 more
such aircraft. Recently, the same aircraft stunned the audience during the air show in Dubai. Surely, the world and the friendly countries are going to lap it up. As far as the domestic audience is concerned, there are very many. तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से तेजस का कंट्रोल संभाला और बेहद एक्साइटेड भी देखे पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। और हमने हमेशा देखा है, हर बार देखा है कि आखिर किस तरीके से पीएम मोदी चाहे कहीं पर भी जाएं, वो किस तरीके से उस काम को बहुत प्रोफेशनल ढंग से तरीके से करना पसंद करते हैं। वो तस्वीरें आपको याद होगी किस तरीके से फोटोग्राफी करते हुए पीएम नजर आ चुके हैं। लेकिन अब आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने जो है एक मिसाल पेश करने की कोशिश की आत्मनिर्भर भारत।